In his recent vlog, Imran Riaz Khan delves into crucial developments surrounding May 9th, shedding light on PMLN's propaganda. Let's explore Imran Riaz Khan's insights as he discusses pivotal news regarding PTI, the establishment, and key figures like Fawad Chaudhary. Let's listen to Imran Riaz's insights together and share your thoughts in the comments. पहले तो एक चीज मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। इसमें हमाद अदनान ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, शिबली फराज का एक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बात कर रही है, लेकिन हतमी बात जब सहाफी मिलेंगे इमरान खान साहब से और वहाँ इमरान खान साहब से सवाल किया जाएगा तो फिर पता चलेगा, क्योंकि वीकेंड था, इमरान खान साहब से मुलाकातें हो नहीं पा रही थी, केसेस नहीं लगे हुए थे। जब सहाफ़ी वहाँ पहुँचेंगे जेल में, अदालत में इमरान खान साहब से पूछेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअली वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने में उनकी अपनी सोच क्या है। लेकिन जो चीज़ें अब तक सामने आई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक चीज़ मुझे नहीं पता चली है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, 9 मई को एक साल मुकम्मल होने वाला है और मेरे सोर्सेज मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ में और मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाकायदा पम्फलेट्स तैयार किए गए हैं, बहुत सारे पेजेस तैयार किए गए हैं और उनको बाकायदा डिज़ाइन किया गया है, जिनको 7 मई के बाद से लेकर 11 मई तक मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर लगाया जाएगा। ये काम जो है वो इस वक्त PDM की जो हुकूमत में जमातें मौजूद हैं वो जमातें करेंगी और उनकी मदद भी की जाएगी। यानी अब आपको सारी बात समझ आ गई है कि 9 मई को एक साल मुकम्मल होने वाला है और PMLN ने स्पेशली अपने मीडिया सेल के ज़रिए से, मुझे वहीं से ये इतला मिली सबसे पहले और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों से कन्फर्म किया, तो बाकायदा बहुत सारी तैयारी कर रखी है कि फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो मुखालिफिन के तौर पर दिखाया जाए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 9 मई को एक साल मुकम्मल होने की सूरत में, एक साल मुकम्मल होने की सूरत में यह कोशिश की जा रही है कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो दुश्मनों की तरह पोर्ट्रे किया जाए और इसके लिए बहुत सारे पोस्टर्स, बैनर्स, बहुत सारी चीजें जो सोशल मीडिया में लगाई जाती है, वॉल्स बनाई जाती हैं, वो सारी बनाकर तैयार करके रख ली गई हैं और उन पर काम हो रहा है। ये काम जो है वो 7 मई से शुरू होना था और 11 मई तक चलना था। अब इसमें साबित यह करना था कि इमरान खान एक्चुअली पाकिस्तान की फौज के दुश्मन है, यह साबित करना था और इससे एक नया बयानिया बनाना था ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहीं ढकेला जाए जहां वो पिछले एक साल से फंसी हुई है। अब इसमें इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, मैं एक मजबूत फौज देखना चाहता हूं, पाकिस्तान के मफाद में एक मजबूत फौज है। ये इमरान खान साहब बार बार कहते रहे, हर मौके पर कहते रहे। उनका आज भी दावा है कि पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान की फौज भी उनके बहुत बड़ी तादाद में हमायती है। यानी इमरान खान साहब ने तो 90% का दावा भी किया था कि पाकिस्तान की फौज के अंदर, पाकिस्तान की फौज के अंदर जो नौजवान मौजूद हैं वो पाकिस्तानियों के भाई और बेटे हैं ना, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के भाई हैं, तो वो उसी तरह होंगे जैसे बाकी पाकिस्तानी हैं, उनसे मुख्तलिफ तो हो नहीं सकते। तो आज इमरान खान साहब को अक्सरियत अगर पसंद करती है तो उनका ये दावा है कि फौज के अंदर भी अक्सरियत उन्हें पसंद करती है। अब इसमें ये जरूर है कि ये एक इदारा है और यहाँ पर काम करने वाले लोग एक डिसिप्लिन के पाबंद हैं। इमरान खान साहब के बकौल उनका जो इख्तलाफ है वो इस बात पर है कि बंद कमरों के फैसले मुसलत नहीं होने चाहिए, वो बार बार ये कहते रहे। उनका जो इख्तलाफ है वो पॉलिसी मैटर्स पर है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है उससे उनका इख्तलाफ है, वो पाक फौज से बतौर इदारा कोई इख्तलाफ नहीं रखते, वो ये बात कई मरतबा कह चुके हैं। अब जो एक बड़ा बयानिया तैयार किया गया था, जब ये चीज़ सामने आई कि इमरान खान साहब तो बात करने के लिए तैयार है और इस मौके पर ये बात कहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इमरान खान की तो कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो बात कर सकते हैं, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि सारी पावर बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के पास है। ये सुनने में गैर जमहूरी लगता है, एक्चुअली ये है। अभी जो पोलिटिकल पार्टीज इमरान खान साहब को डकैती मार के आई है, 3 पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बारे में तो बहुत क्लियरली उन्होंने कह दिया इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने कि PMLN से, पीपल्स पार्टी से और MQM से जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है उनके साथ तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो उस एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं जिन्होंने इसके अंदर मदद की उन तीनों जमातों की। अब यहाँ पर एक डिबेट मौजूद है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने एक पूरा का पूरा नैरेटिव तैयार किया हुआ था उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ मिल गया है। हमाद अदर साहब ने स्टेटमेंट दिया उसमें बड़ी क्लैरिटी है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो हमाद अदर के स्टेटमेंट से मुताबिकत रखता है या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। हमाद अदर ने लिखा कि एस्टेब्लिशमेंट से खान ने कोई बातचीत नहीं करनी जब तक अवाम का चोरी मैंडेट वापस और इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तमाम कायदीन और रहनुमाओं की रिहाई नहीं होती, लेकिन इसके अलावा एक और भी तो मसला है। वो कह रहे हैं जी पहले तो मैंडेट वापस करो, बुशरा बीबी, इमरान खान साहब को रिहा करो और बाकी तमाम कायदीन और रहनुमा जो है जितने भी लोग गिरफ्तार उनको रिहा किया जाए, लेकिन इसके अलावा एक और मसला भी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और ये मेरी जाती राय है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट में क्रेडिबिलिटी और एथिक्स का फुकदान है। 9 मई तो एक बहाना बनाया गया लेकिन इससे पहले भी उनके किसी लफ्ज की कोई अहमियत ना थी, ऊपर से झूठ, फरेब, ब्लैकमेल और टॉर्चर की लंबी दास्तानें हैं। ये लोग अपने सियासी मकासद के लिए इस हद तक चले गए कि अब पता नहीं कैसे नजरें भी मिला सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं जो हमारे लोगों और उनके घर वालों के साथ किया गया। अगर कभी तफसीलात सामने आई तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात तो ये ठीक है, यानी जो चीज़ें फेस की और जिन्होंने की उन्हीं को आइडिया है कि उनके साथ क्या बीती।
जो जो आदमी जब जब गायब हुआ और जब वो वापस आया तो उसकी हालत आपको बता देती है कि उसके साथ क्या बीती है। साथ ही उन्होंने कहा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई एक इंसान किसी दूसरे पर इतना जुल्म कर भी सकता है और वो भी अपने ही हम वतन के साथ। बहरहाल बड़ी कुर्बानियां रकम हो चुकी है, इलेक्शन में फतह मिल चुकी है। इमरान खान आज पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर का कदावर तरीन रहनुमा बन चुका है। तहरीके इंसाफ में नई क्यादत रूनुमा हो रही है और मुल्क सारा हकीकत से आशना हो गया है। अब तो गेंद इमरान खान के हाथ में है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में वही पुराना दागदार डंडा है जो खुद अपने वजूद पर शर्मिंदा है और अपनी अफादियत भी खो चुका है। इस सूरत हाल चंद तमगा शुदा टाउट के अलावा, यानी इस सूरत हाल में चंद तमगा शुदा टाउट्स के अलावा कोई भी आज मुक्तदरा के साथ नहीं खड़ा। जिन नमूनों को कौम पर दोबारा मुसल्लत किया वो अपने हलकों में इलेक्शन हार चुके हैं और शफाफ इलेक्शन की सूरत में आज अपनी जमानत भी नहीं बचा सकते। इनकी शक्लें और करतूत देखकर कौम को अरबाब इख्तियार पर मजीद गुस्सा आता है, बल्कि इनकी सोच और जजमेंट पर मजीद शकूक जन्म लेते हैं। मुल्क के मामलात खासे बिगड़ चुके हैं और गर्मियां भी आ रही हैं। गंदम का बहरान, बिजली के बिल, IMF की मजीद महंगाई, सनती बंदिश, अपोजिशन की तहरीक, और उन्होंने फिर एंड में लिखा शेक्सपियर का एक मशहूर जुमला है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो ये जनाब हमादत साहब का ट्वीट है, इसे आप मतलब समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर ये भी सोच मौजूद है। अब एक और खबर है जी, और ये बड़ी खबर है जी, और देखें कितनी मजेदार खबर है कि वजीर खारजा इसहाक डार जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं उनको डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। यानी नवाज शरीफ साहब का पेट भरता ही नहीं है। वो कहते हैं ना अंधा वंडे रेवड़ियां ते मुड़ मुड़ दवे अपने आनू। यानी अंधा जब भी रेवड़ियां बांटता है या कुछ भी बांटता है वो अपनों को ही देता है मुड़ मुड़ के, अंधा वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू। ये मिसाल मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक दफा पहले भी आपको ये मिसाल सुनाई थी। तो अब मामला ये है कि भाई जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान, बेटी जो है वो वजीर आला पंजाब, और समधी जो है वो वजीर खारजा, फिर भी नवाज शरीफ का पेट नहीं भरा और अब उन्होंने बना दिया अपने समधी को डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान। शहबाज शरीफ आलमी इक्तसादी फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब में मौजूद है। वजीर खारजा इसहाक डार भी उनके हमराह है। इसी दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। देखिए पाकिस्तान पर कितना बड़ा एहसान किया गया। ये वो आदमी है जिसके बारे में जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब ने मीडिया को बताया था कि इसहाक डार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। जो सिचुएशन इकॉनमी की है उसके लिए जनरल बाजवा ने कहा था, हो सकता है गलत कहा हो, लेकिन हमने देखा कि वाकई इकॉनमी को बहुत बुरी तरह तबाह किया। मैं पिछले दौर की बात नहीं करता क्योंकि वो तो चले एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी ना, हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट तब भी एक बयानियां फैला रही हो जैसे अभी इमरान खान के खिलाफ है, चले उसको छोड़ देते हैं, हो सकता है जनरल बाजवा झूठ बोल रहे थे। लेकिन जो 16 महीने में अपने कारकर्दगी देखी PMLN की और PDM की जमातों की, उसके नतीजे में हम समझ गए कि इसहाक डार साहब को इकॉनमी का नहीं पता, वो इकॉनमी को तबाह ही कर सकते हैं। आज उनकी अपनी पार्टी के लोग यही कहते हैं। उसी शख्स को जिसका एक दिन का तजुर्बा वजारत खारजा का नहीं है, पहले वजीर खारजा बनाया गया और अब डिप्टी वजीर आजम बनाया गया, नवाज शरीफ साहब का पेट ही नहीं भरता। यानी ये आदमी जो इश्तिहारी था, ये आदमी जो पाकिस्तान से भागा हुआ था, ये आदमी जो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहा था, प्रोटोकॉल में पाकिस्तान वापस पहुंचता है, पाकिस्तान वापस आने के बाद हलफ उठाता है, साथ ही इसको वजीर पहले खजाना बनाया जाता है, फिर दोबारा इलेक्शन होता है, फिर वजीर खारजा बनाया जाता है और अब डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया है। तो इससे भोंडा मजाक तो पाकिस्तान के साथ और हो नहीं सकता। नादिन कुछ और लोग हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वापस आएंगे और इनमें जो सबसे ज्यादा नाम जिसका इंतजार किया जा रहा है वो फवाद चौधरी है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वापस आना भी चाहते हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ में उनकी वापसी के लिए काफ़ी गुंजाइश भी मौजूद है। फवाद चौधरी चाहते तो इमरान खान को छोड़कर फयाज़ुल हसन चौहान की तरह या फारूक हबीब की तरह या फिरदौस आशिक एवान की तरह वो इलेक्शन लड़ भी सकते थे, लेकिन वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे इमरान खान साहब को छोड़ने के बावजूद, और इमरान खान साहब उन एक्टिविटीज़ से गालिबन आगाह थे। इमरान खान साहब से अलग होने के बावजूद वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, इमरान खान साहब की मुखालफत नहीं की जैसे बाकी लोगों ने की है। तो वो तब भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे जिनकी वजह से उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया और फिर वो लंबी जेल काट कर दोबारा रिहा हो गए। उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, अपनी सियासत को उस वक्त कुर्बान किया और एक रिस्क के ऊपर थे कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो फवाद चौधरी बयानियाँ बनाने में, फवाद चौधरी जो है वो पब्लिक को और मीडिया को मोटिवेट करने में और इंटरनेशनली मामला को उठाने में वो काफ़ी बेहतर है। तो उनकी वापसी से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फायदा होगा। और कुछ लोग हैं जिनमें उस्मान डार है, जिनमें सदाकत अब्बासी है, इनके लिए कहा जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। शीरी मदारी बहुत इमरान रियाज खान's recent vlog carries substantial weight in the realm of political discourse. His detailed examination of the forthcoming events on May 9th, coupled with the exposure of PMLN's propaganda, reflects the ongoing shifts and maneuvers within Pakistan's political landscape. Imran Riaz Khan's insights into the negotiations between PTI and the establishment are particularly illuminating. By highlighting key statements from PTI leaders, such as Hamad Azza, regarding these discussions, he provides viewers with a glimpse into the intricate processes of political negotiation and decision-making.
Moreover, his discussion on the return of figures like Fawad Chaudhary to the forefront of political relevance underscores the fluidity and evolution of political alliances and dynamics. One of the most noteworthy aspects of Imran Riaz Khan's analysis is his emphasis on Imran Khan's steadfastness in upholding certain principles, even in the face of adversity. This unwavering commitment to core values and ideals is a crucial aspect of leadership, and it resonates deeply with many Pakistanis who prioritize integrity and transparency in governance. As a Pakistani, it is imperative to engage in critical analysis of these political developments. Encouraging viewers to subscribe and comment not only fosters a sense of community and shared discourse, but also opens the door to diverse perspectives and interpretations. By inviting a Pakistani perspective, Imran Riaz Khan's vlog contributes to a broader conversation about the challenges, opportunities, and responsibilities inherent in our democratic system.